मैंने जो अपने फर्स्ट वीडियो में आई बनाया था, उस आई को बनाने का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ लाइट पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप आउटलाइन करेंगे ड्राइंग का। कुछ डार्क पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने 10B का यूज़ किया है, और इसका यूज़ मैं डार्क पोर्शन को शेडिंग करने के लिए करूँगा। और इसके बाद आपको चाहिए टिश्यू पेपर, इसका यूज़ मैं ग्रेफाइट को फैलाने के लिए करता हूँ, इससे बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। इसके बाद आपको चाहिए इरेज़र, ये एक बैटरी इरेज़र है, इससे मैं इस पतले से वाइट पोर्शन को इरेज़ करता हूँ। और इसके बाद आपको चाहिए पेपर स्टम्प, पेपर स्टम्प का भी यूज़ करके आप छोटे छोटे पोर्शन को ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इससे। अगर आपके पास ऐसा इरेज़र नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, आप मैकेनिकल पेंसिल के पीछे लगे इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में इसी इरेज़र का यूज़ करके इस आई को बनाया था, तो ये पेंसिल आपको कहीं भी कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। और अगर आपके पास पेपर स्टम्प भी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप घर बैठे बैठे पेपर स्टम्प भी बना सकते हैं। तो ये है तरीका, पहले आपको एक कोई भी पेज चाहिए, और इसके बाद आपको उस पेज को रोल करना है। मैं बताता हूँ कैसे, कुछ इस तरह इसे रोल कर लेते हैं। तो आपको ऐसे छोटा सा पोर्शन से स्टार्ट करना है किसी कॉर्नर से, फिर रोल करते हुए इसे एक पतला सा ट्यूब जैसा आकार बनाना है, कुछ इस तरह। तो ये मैंने बना लिया है, इसे ऐसे राउंड कर करके हम जितना पतला हो सके उतना पतला बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेप भी लगा दिया है ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से मैंने और भी पहले से कुछ बना के रखे हैं, जिसका यूज़ मैंने अपने पहले वीडियो में किया था। तो इसका यूज़ करने से पहले आपको इसके कॉर्नर को काट लेना है, कुछ इस तरह। इसके बाद आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने ग्रेफाइट को ब्लेंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कैसे एक आई बनाया जाए। तो सबसे पहले एक कर्व बनाना है ऊपर से, तो ये कर्व मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, एक ही बार में मैं कर्व नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार बनाने से वो एक्चुअल शेप आने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ख़ासकर एक बिगिनर के लिए। तो आप ऐसे ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे करके स्मूथ राउंड कर सकते हैं, और ऊपर की ओर से पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद हम नीचे से एक और कर्व बना के दोनों को ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरह। तो ये मेरा आई का शेप बन चुका है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो कर्व बना है ना वो स्मूथ बना हो, तो इस तरह आप कर्व बना लीजिए। फिर ये एक रेफरेंस लाइन है आईब्रो के लिए, और इसके बाद मैं फिर आईबॉल बनाऊंगा। तो आईबॉल आपको सर्कल बनाना है, कुछ इस तरह। इसके बाद मैं एक लाइट पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको शेडिंग करना है, लाइट लाइट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. अब मैं टिश्यू पेपर से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, तो आप इसे धीरे धीरे करके स्मूथली पूरी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, इससे रियलिस्टिक इफेक्ट आता है।
यहाँ मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क डार्क शेडिंग्स के लिए। आप चाहे तो 8B या फिर 12B का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे पेंसिल्स आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I... अब मैं आपको आईबॉल की एक तरफ पेपर स्टम्प से ब्लेंडिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ ये इस तरह से स्मूथ हो रहा है, और मैं इसके दूसरी तरफ आपको मैं मेरे बनाए हुए खुद के कागज़ के स्टम्प से आपको ब्लेंडिंग करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का इफेक्ट सेम ही नज़र आएगा। तो अगर आपके पास पेपर स्टम्प नहीं है तो बेजिजेका पेपर के बनाए हुए अपने पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम ही इफेक्ट आया है। Turn us to thousands.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... पेंसिल के रिफिल को अंदर कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर अब स्क्रैचेस करूँगा, आईब्रो के ऊपर स्क्रैचेस करने से, इसके ऊपर स्क्रैचेस करने के बाद जब हम इसके ऊपर शेडिंग करेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह आपको भी स्क्रैचेस कर लेने हैं और इसके बाद फिर जब हम शेडिंग करेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा इफेक्ट आएगा।
बाय द वे ये स्क्रैचेस करना उतना ज़रूरी नहीं है, ये बस मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने जो स्क्रैचेस किया था उसका क्या इफ़ेक्ट आया है। यहाँ पे हल्के हल्के हेयर्स टाइप कुछ शेडिंग्स पता चल रहे हैं, तो यही वजह है कि जो मैंने स्क्रैचेस किए थे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. The sun rays and I... अब मैं इरेज़र का यूज़ करके आँखों के नीचे वाइट पोर्शंस बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे बैटरी इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, इससे पहले जो मैंने आई बनाया था वहाँ पे मैंने मैकेनिकल पेंसिल के पीछे लगे हुए इरेज़र का यूज़ किया था। अगर आपके पास ये इरेज़र नहीं है तो आप मैकेनिकल पेंसिल के पीछे लगे हुए इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही इफ़ेक्ट देते हैं। आप मेरे इस वीडियो का इफ़ेक्ट और मेरे फर्स्ट वीडियो का इफ़ेक्ट देख सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। तो आप मैकेनिकल पेंसिल के पीछे लगे इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं।
shadows till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And जब आप इस आई का ड्राइंग कंप्लीट कर लेना तो उसके बाद आप अपने ड्राइंग का एनालिसिस करिए कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स किया है और एक दो दिन का गैपिंग लेके आप दोबारा फिर से ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करके मैं आपको एटलीस्ट 3 बार बनाने का सजेशन देता हूँ, फिर आपको देखिएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है।
जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ते जाएगा और आप ड्राइंग में उतने अच्छे होते जाइएगा। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इस आई को बना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप फुल वीडियो को देखें, अच्छे से देखें और उसके बाद फिर एक एक स्टेप वाइज बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आर्ट से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप कम से कम इसे 3 बार बनाने की कोशिश करिए और फर्स्ट बार बनाने के बाद जैसा बना उसका पिक क्लिक करके कमेंट में मुझे पोस्ट करिए और फर्स्ट अटैम्प्ट लिखिए, और नेक्स्ट बार जब बनाएगा तो सेकंड आइटम लिखकर फिर से पोस्ट करिए। ऐसा करके आपको भी अपनी इम्प्रूवमेंट का पता चलेगा और मुझे पता चलेगा कि आप कितनी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट वे है।